मैं हिंदू हूँ, आप भगवान श्री राम को गाली निकालेंगे, बुरा भला कहेंगे, भगवान कृष्ण को, हनुमान जी को, शिव को, मैं बर्दाश्त करूंगी? नहीं करूंगी। इसी तरह अगर आप हिंदू होने के बाद किसी दूसरे धर्म के है ना के ऊपर टिप्पणी करेंगे, वो बर्दाश्त कर लेंगे? अगर मेरी आस्था मेरे धर्म में है तो मुझे ये भी समझना है कि दूसरे की भी आस्था उसके धर्म में उतनी ही है। আসসালামু আলাইকুম। আমি একজন খাঁটি হিন্দু, তারপরেও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে এরকম মন্তব্য আমি কোনোরকম ভাবেই সহ্য করব না, এটা চরম অন্যায়। এরকমই মন্তব্য করতে শোনা গেল একজন হিন্দু মহিলাকে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, যদিও নূপুরের এই বিষয়টি অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে আজেবাজে মন্তব্য করার এই বিষয়টি একটি রাজনৈতিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে, ফলে মুসলিম সমাজের যে সমস্ত নেতারা বিভিন্ন দলের হয়ে কথা বলেন, কাজ করেন, বিশেষ করে যারা ইসলামিক দলের হয়ে কাজ করেন, অনেককে দেখা যাচ্ছে তারা এখনো পর্যন্ত এ বিষয়ে মুখ খুলছেন না। বিশেষ করে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে অনেক মুসলিম নেতা আছে যারা বিভিন্ন দলের হয়ে কথা বলেন, প্রয়োজনে বিনা প্রয়োজনে কথা বলেন, দলের হয়ে বকবক করেন, অথচ এই সমস্ত নেতারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে, এত বড় মন্তব্যকারীর বিরুদ্ধে কিছুই বলছে না। তাই আমি এই ভিডিওটি আপনাদেরকে দেখাতে চাই যে একজন হিন্দু মহিলা হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে এত বড় মন্তব্যকারীকে কিরকম উচিত শিক্ষা দিচ্ছেন। আপনাদের প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ, ভিডিওটি বেশি বেশি লাইক এবং শেয়ার করবেন, যাতে করে এই বিষয়ে সবাই সোচ্চার হতে পারে। বিজেপি কি প্রবক্তা হ্যাঁ নূপুর স্যার, আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বারে মে জো গলত টিপ্পনি কি হ্যায়, এফআইআর হো রহি হ্যায় লাগাতার, লেকিন আবি তক গ্রেফতারি নাহি হুই। মে হিন্দু হুঁ জি, আপ ভগবান শ্রী রাম কো গালি নিকালেঙ্গে, বুরা ভালা কহেঙ্গে, ভগবান কৃষ্ণ কো, হনুমান জি কো, শিব কো, মে বরদাশত করুঙ্গি? নাহি করুঙ্গি। ইসি তরহ আগার আপ হিন্দু হোনে কে বাদ কিসি দূসরে ধর্ম কে হ্যায় না के ऊपर टिप्पणी करेंगे, वो बर्दाश्त कर लेंगे? अगर मेरी आस्था मेरे धर्म में है तो मुझे ये भी समझना है कि दूसरे की भी आस्था उसके धर्म में उतनी ही है। अगर मैं चाहती हूँ कि वो मेरे धर्म का सम्मान करे तो मुझे भी उसके धर्म का सम्मान करना होगा। लेकिन दुख की चिंता की बात ये है, अभी मुनव्वर राणा जी की बेटी जो है, मुझे पता लगा है कि वो नूपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन करने निकली, लोकतांत्रिक अधिकार है, निहत्थ है, आवाज उठाने का अधिकार है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पर पूरे देश में भर में जो एफआईआर नूपुर शर्मा के खिलाफ हुई है, उन्होंने जो कहा लाइव टीवी चैनल पे कहा, बहुत गलत है। मैं एक सच्ची हिंदू हूँ और मैं उनके बिल्कुल भी जो कहा गया है नबी के लिए उनके पे रख दिया गया है। संविधान आपका खतरे में है, आप समझ रहे हैं कैसे खतरे में है? संविधान में अब ये हो गया कि आपने नौकरियों का निजीकरण कर दिया, नियुक्तियों का निजीकरण करने से क्या होगा, अब शोषण होगा, शोषण के साथ साथ आपका जो आरक्षण, जो हमारा दलित पिछड़ा समाज है उसको जो अधिकार मिले हुए थे, सब आप वंचित कर रहे हैं। आप संविधान में एक तिरंगे को मान और सम्मान, और प्रधानमंत्री जी विदेशी धरती पर संघ का भगवा झंडा लहराते, तिरंगे झंडे की फोटो शेयर नहीं की थी। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जब यहाँ आता है तो बुलडोजर पे चलाकर, तब बुलडोजर की राजनीति क्या थी यहाँ प्रदेश सब जानता है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बुलडोजर पे चल के फोटो शेयर करते हैं, और ब्रिटेन की पार्लियामेंट में अपने प्रधानमंत्री से वहां की पार्लियामेंट सांसद हिम्मत करते हैं पूछने की, आप भारत गए, आप बुलडोजर पे चले, आपको पता है इस समय भारत में बुलडोजर का मतलब क्या है, कि जो भी भाजपा के खिलाफ बोलेगा उनके लिए वो गुंडा, उसके घर के ऊपर ये बुलडोजर चलता है। क्या हुआ लाउडस्पीकर की राजनीति, क्या है हम पूछना चाहते हैं? आजाद हुए 75 साल देश को हो गए, 75वीं वर्षगांठ पे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, लाउडस्पीकर पहली बार बज रहे हैं क्या? एक ही धर्म के उसमें के नाम का राजनीतिकरण किया गया, बहुत लाभ उठ लिया, अब बोला अब उसके नाम से शायद कुछ नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद श्री हनुमान जी बीच में ले आए, जब हनुमान जी का भी लगा हो गया है काम, अब उनसे भी जो राजनीतिक फायदा भाजपा संघ ले सकती थी ले लिया, अब शिवलिंग पर आ गए हैं। अब शिवलिंग के बाद क्या होगा उस पर भी विचार भाजपा संघ कर रही होगी।